हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शिखा। आज हम बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बनाएंगे, वो भी आटे से, गेहूं के आटे से, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी फूली फूली कचौड़ी और कितनी क्रिस्पी कचौड़ी है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसके लिए हम बॉयल आलू लेंगे। आलू को हमने बॉयल कर लिया है, और चार आलू को हमने बॉयल किया है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, एक चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे। अजवाइन, हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा हाफ हाफ चम्मच, सौंफ हाफ चम्मच, मंगरैल है, मंगरैल में हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगरैल का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और थोड़ा सा डालेंगे, ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर। सभी मसाले हमारे सौते हो जाएंगे, तो आलू को जो मैं इसके करके रखे हैं उसको हम मिक्स करेंगे। इस तरह दबाते हुए हम मैश करेंगे और चलाते रहेंगे, अच्छे से सौते होने देंगे। इसमें और भी स्पाइसी हम डालेंगे। इसमें धनिया मिर्चा रोस्ट किया हुआ पाउडर डालेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा है। चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया मिर्चा का रोस्ट किया हुआ पाउडर है। इसको भून के रोस्ट करके रख देते हैं तो अच्छा लगता है। कभी भी आलू की पूड़ी बनानी हो, कचौड़ी बनानी हो, तो हम मिक्स कर सकते हैं। यहाँ ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, सादा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डाले हैं, जिससे चटपटा टेस्ट दे और बहुत ही टेस्टी बने, ताकि बच्चे बहुत ही पसंद से खाएं। आटा लगाएंगे, कचौड़ी के लिए डो लगाएंगे। यहाँ पे 1 कप हम गेहूं का आटा लिए हैं और 4 चम्मच सूजी लिए हैं, जिससे ये क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्ट में अच्छा जाएगा, इसलिए हम इसमें सूजी मिक्स किए हैं। इसमें हम थोड़ा सा मंगरैल डालेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, और मंगरैल डालेंगे, कलौंजी जिसको बोलते हैं, और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पे हम अजवाइन डालेंगे, वो भी क्रश करके थोड़ा सा हाथों से मैश करके डालेंगे, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे पर डो तैयार कर लेंगे। हमको सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, जैसे पूड़ी का डो बनाते हैं उसी तरह से हमको हार्ड डो बनाना है। इस तरह से मसल मसल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को, और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार के हम गूंथेंगे, ताकि सूजी हमारी फूल जाए। इसको हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंथना है, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जो हमारा रेडी हो गया है, इसको हम रख देंगे रेस्ट पे 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी सेट हो जाए। इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे, और इसमें 1-1 चम्मच आलू को मिक्सर जो है उसको हम इसमें फिल करेंगे। इस तरह से आटे से कटोरी बना लेंगे, और 1 चम्मच इसमें फिल करके इस तरह दबाएंगे अंगूठे के हेल्प से, अंगुलियों के हेल्प से, और इस तरह से बंद करेंगे, ये खुलेगा नहीं तेल में जाके। और इस तरह से हाथों से ही हम फ्लैट कर देंगे, और थोड़ा सा मंगरैल धनिया पत्ता इस पर चिपका के हम फ्राई करेंगे। ये देखने में लुकिंग लगता ही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए, और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो स्लो फ्राई भी कर सकते हैं।시작하는 하루 끝.
같은 걸까? 따뜻한 모닝커피의 향.